Hello everyone, I'm Abhishek Trivedi from DP's Jodhpur. We deal in men's apparel, footwear and fragrances. And as you all know, BNI Business Summit 2023 is going to happen on 26th and 27th of April at Amritam Palace. And today we have Mr. Deepak from VSG. And welcome Deepak sir. Thank you. And first of all, we want to know what is VSG? सर वीएसजी इज अल्फाबेट्स है तीन हमारे घर में नाम के सबसे पहले फर्स्ट लेटर्स है हमने जब चालू किया तो जब चालू करने वाले थे तो हमेशा एक इंडियन कल्चर के अंदर रहता है किस नाम से होना चाहिए कैसे होना चाहिए कैसा तो जैसे जैसे सजेशन मिले उसको मिला कि एक वर्ड बनाया गया वीएसजी किसी ने इसका नाम कुछ रखा किसी ने कुछ रखा किसी के पास गए तो एक तरह से ये अल्फाबेट्स है फर्स्ट थ्री लेटर्स है एक 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 नाम के और कब शुरू किया अपना ये बिजनेस सर मैं वैसे पुणे में था सबसे फर्स्ट तब हम वहां कर रहे थे 2014 में मैं फर्स्ट टाइम जोधपुर में आके ये बिजनेस वापस मतलब फर्स्ट टाइम यहां पे चालू किया 2012 से मेरी प्लानिंग थी स्टार्ट करने की बट नाउ नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट स्टडी नहीं कर पाया था पूरा तो 2014 के अंदर मैंने ये चालू किया था फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर ओके तो आप होटल फील्ड से हैं बैकग्राउंड आपका स्टडीज या एकेडमिक्स या सर मेरा होटल्स वगैरह से तो ऐसा कुछ भी नहीं था बट मैंने जॉब करी थी पुणे में एमबीए करने के बाद में जॉब किया था इस इंडस्ट्री के बारे में काफी सीखा था तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे नेटिव प्लेस होम टाउन के अंदर हर एक का एक रहता है कि घर पे आके अपने कुछ करें तो इस वजह से एक इच्छा थी कि जोधपुर में सेटल होने की तो एक अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन कमर्शियल किचन अपने आप में एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी R&D रिसर्च करना थोड़ा टेक्निकली जो उस लाइन से नहीं है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग हो सकता है सो व्हाट मेड यू फील के ना मेरे को इस लाइन में या इस मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ये प्रोडक्ट चूज करना है सर इस हमारे एक लाइन की एक कहे प्लस पॉइंट है कि हम लोग जहाँ भी जाते भूखे कभी नहीं आते ट्रू तो हम पुणे में थे तब भी जब भी जाते थे जहाँ पे भी जाते थे हमेशा क्लाइंट के पास हमेशा कुछ ना कुछ सर्विंग रहती रहती थी हमारे लिए जोधपुर में है तब भी होटल रेस्टोरेंट हमारे क्लाइंट है तो एक ऐसा रहता था कि हर इंसान कमाता किसके लिए पेट के लिए कमाता है हमारा काम ही है उसी को सपोर्ट करता है तो हम लोग खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं तो वो एक हमेशा प्लस पॉइंट रहा है हमारे लिए इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी रही है इंडस्ट्री में जो यहाँ के जो हमारे क्लाइंटेज है तो वो भी एक जिस हिसाब से हमारे को ट्रीटमेंट करते हैं एज अ वेंडर ना करके एज अ फैमिली फ्रेंड हो गए या फैमिली मेंबर्स हो गए जोधपुर में आने के बाद में 2014 से मेरे पर्सनल रिलेशन से ज्यादा मेरे आज कमर्शियल्स में जो है मेरे क्लाइंटेज है उनसे रिलेशन है और वो रिलेशन ऐसे है कि वो कोई भाई बन गया है कोई रिलेटिव जैसा बन गए हैं कोई मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए जो हम पहले जानते नहीं थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस लाइन को लेकर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि विच वाज अ ब्रेकथ्रू या आपको लगता है कि जिसमें आप जो सबसे आपके बहुत क्लोज है आपके ओवरऑल प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली पूरे किचन में बहुत सारे अप्लायंसेस या जो आप जो फर्निशिंग उसको देते हो लेकिन विच इज वन पार्ट जो आपको लगता है कि जो बहुत आपके दिल के करीब है सर हम लोग कमर्शियल किचन का एस्पेक्ट्स की बात करें तो कमर्शियल किचन बहुत सारे सेगमेंट्स है उसके अंदर जिससे मिलके बना होता है इस सेगमेंट में हम लोग पूरा ट्रंकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं मेनली हमारा फोकस यही रहता है ट्रंकी सॉल्यूशन इन द सेंस हम लोग डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा करते हैं तो जिस तरह एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर या कोई भी प्रोफेशनल्स एक सपना देखता है कि मैं बिल्डिंग ऐसे बनाऊंगा उसको एग्जीक्यूट करता है सबसे पहले माइंड मेकअप करता है मेरे को ऐसा देना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उसी तरह हम लोग हमारा पूरा माइंड मेकअप करते हैं क्लाइंट से इनपुट लेते हैं क्या चाहता है क्या मेन्यू है उनका कितने लोग हैं कितने सेटल करना है तो हम जब ये पूरा करते हैं तो उससे हमको एक आइडिया होता है कि हमको देना क्या क्लाइंट को उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले डिजाइनिंग स्टेज पे जब डिजाइनिंग आता है तो हम लोग पूरा पूरा उसका डिजाइन कंसेप्ट बनाते हैं कंसेप्ट में क्या होगा कहाँ पे कैसा आइटम आएगा कैसे जोन बनेगा कहाँ पे शेफ को क्या चाहिए कहाँ पे सर्विस वाले को क्या चाहिए तो वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है तो उसके बाद में आता है उसका प्रोडक्शन का टाइमिंग का तो सिंस हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन भी हमारा खुद का है प्रोडक्शन के अंदर हमने पूरी क्वालिटी कंट्रोल कर रखी है हम लोग जिंदल का ही स्टील यूज में लेते हैं मार्केट में दूसरे भी प्लेयर्स हैं उनका आता है या बाहर से इम्पोर्टेड भी शीट्स आती है जो माइट भी चीपली चीपर होती है थोड़ा सा जिंदल से बट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस हम लोग जिंदल का ही मटेरियल यूज में लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल जो फैब्रिकेशन है वो हमारी इन हाउस टीम है पूरी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम नहीं करवाते हैं फुल टाइम बेसिस पे फुल टाइम सैलरी बेस पे है तो हम लोग क्वालिटी को पूरा पूरा कंट्रोल करते हैं तो ये सारे चीजें तो हो गए एक रेस्पेक्ट मेरे जो सबसे क्लोज में है वो डिजाइन पोर्शन ओके क्योंकि
आप किचन कितना भी बनाने वाले बहुत होंगे, डिजाइन जो रहता है वो सबसे क्रूशियल होता है। आप कैसे प्लेसमेंट करते हैं, प्लेसमेंट प्रॉपर होगी। अभी तक हमने लगभग नहीं करते, मोर देन 500 किचन कर चुके होंगे। और हमारा ऐसा रहता है कि नॉर्मली 90 से लेके 95 से लेके अराउंड 99% तक चेंजेस नहीं आते वापस शेफ के, क्योंकि शेफ थोड़ा लेट अपॉइंट होता है, उससे पहले हम अपॉइंट हो जाते हैं। ट्रू ट्रू, कुछ चीजें शेफ के हिसाब से नहीं कर पाते, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव रहता है कि मेरे को ये है। लेकिन 95 से 99% हमारे किचन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, मेजर चेंजेस। टू क्विक क्वेश्चन, एक तो अगर किसी को आपके प्रोडक्ट से कुछ सर्विसेज लेनी है तो हम आपको कहाँ मिल सकते हैं? ऑल्सो ऑन BNI सबमिट में आप प्लेटिनम स्पॉन्सर हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमें इस लेवल का सपोर्ट दिया इस सबमिट को करने के लिए। एंड इफ यू कैन मेंशन द स्टॉल नंबर, एंड ऑल्सो आप अगर अदर देन स्टॉल मिलना है तो वेयर इज योर ऑफिस समथिंग, आप अगर बता पाए तो। सर पहले तो थैंक यू BNI को जिन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी। सही बात। तो सर ऐसा है कि हमारा जैसे कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, BNI इज अ बिजनेस कनेक्ट, तो हमारे क्लाइंटेज ही पूरे बिजनेस से रिलेटेड है और सारा रेफरेंस बेसिस पे। हम इंडिविजुअली भी रेफरेंस बेसिस पे, हमारा कोई ऐसा ऑनकोर हार्डकोर मार्केटिंग या सेल्स हो नहीं सकता क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट सेल्स है। एक होटल रेस्टोरेंट है तो एक बार नॉर्मली आता है ओनर या अपनी चैन लेके आता है, तो हमारे को हर वक्त नए क्लाइंट्स चाहिए। तो हमारा काम मेनली सारा का सारा रेफरेंस पे है, तो यही रेफरेंस हम चाहते हैं BNI से हमको जनरेट हो रहे हैं। जो हमारे पर्सनल थे, आज हमारी कोई गिव होती है, कोई आस्क होती है, वो BNI से जुड़ रही है। हमारे पास में अच्छे क्लाइंट है जो आगे जुड़ रहे हैं, हमको नए मिल रहे हैं। तो ये सारे चीजों को कनेक्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया BNI ने। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली स्पॉन्सरशिप की, तो हमको और भी बड़ा थोड़ा सा एक नॉलेज में भी रहे लोगों को, क्योंकि एक ऐसी निच इंडस्ट्री है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं रहते, नॉर्मली ध्यान में भी नहीं रहता कि कौन करता होगा। जब भी देखते गूगल पे सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे यार मेरे को किचन बनाना है किससे बनवाऊं, सही बात है। नॉर्मली ऐसे ही कंसेप्ट है इसका, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को प्लेटफॉर्म करने के लिए, शोकेस करने के लिए यहाँ पे। और हमारा स्टॉल नंबर 60 है अमृतम पैलेस के अंदर, जो इवेंट हो रहा है BNI का। और वैसे हमारा फैक्ट्री मिल्कमैन कॉलोनी में है, 236 लेन नंबर 10 मिल्कमैन कॉलोनी जोधपुर में, जहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ऑफिस दोनों ही है। तो मतलब जब आप BNI को सबमिट को देखते हैं या प्लैटिनम को देखते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ क्राउड यू आर एक्सपेक्टिंग एंड उसको क्राउड को कैसे आप कैसे एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैं तो यही चाहूंगा कि होटल वाला है ज्यादा से ज्यादा, रेस्टोरेंट्स वाला है ज्यादा से ज्यादा। सही बात है। हाँ तो आप अपनी करीब करीब सारी प्रोडक्ट रेंज वहाँ पे शोकेस कर रहे हैं? सर हमारा तो प्रोडक्ट रेंज तो वैसे एन नंबर्स ऑफ आइटम्स है, बिकॉज सारा कस्टमाइजेशन है। कोई एक छोटी सी टेबल की साइज वो 300 mm से चालू होकर 1800 2400 तो एन नंबर्स ऑफ टाइम है। यस बेसिक जो प्रोडक्ट्स है वो हम सारे डिस्प्ले में रखेंगे उसके अंदर, ताकि आप देख पाए क्या आइटम है, और आपके कोई रिव्यू है कोई सजेशन है तो भी हमारे एक्सेप्टेबल रहेंगे उस समय, कि और कोई आपके थॉट्स है कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। सर मजा आ गया आपसे बात करके, एंड मैं आप सबको इनवाइट करूंगा BNI समिट 2023 विच इज हैपनिंग ऑन 26th एंड 27th ऑफ अप्रैल एट अमृतम पैलेस। एंड VSG के साथ साथ सबकी BNI मेंबर जिन्होंने स्टॉल्स वहां पे ली है और प्लैटिनम स्पॉन्सर है, डू विजिट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द होटेलियर्स टू बी देयर, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स वहां पे शोकेस होंगे सर के, दैट विल बी द की पॉइंट जो आपको आने का वहां पे बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you so much.